जब हम आएंगे गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड, इस तरह के वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हैं जिससे कि आप अपने इंस्टाग्राम में डाल सके, तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन में जाना है। यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने वीडियो साइज के हिसाब से एस्पेक्ट रेशियो को सेलेक्ट कर लेने का है। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए बनाना चाह रहे हैं तो 9:16 को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद मीडिया से आपको उन दोनों वीडियो को सेलेक्ट कर लेने का है जिसका आपने रिकॉर्ड किया हुआ है। मैंने यहाँ पर दोनों वीडियो को सेलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले इन दोनों वीडियो का आपको वॉल्यूम कम कर देना है। अब इसमें एक्टिंग कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको हाथ ऐसे रखना है और मोबाइल को ऐसे रखना है जिसमें आपका स्काई ज़्यादा दिखे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, आगे आप जाएंगे, देखिए आपको डायलॉग मारना है जैसे वो डायलॉग मारता है। उसके बाद आपको हाथ को ऐसे ऊपर कर देना है बस, और ये पंच मारना है, ठीक है। ये वाला पहला रिकॉर्डिंग हो गया। उसके बाद दूसरा रिकॉर्डिंग में आपको सिर्फ ऐसे वॉकिंग करके आना है, बाकी कुछ नहीं करना है। उसमें भी आपको मोबाइल ऐसे रखना है कि जिसमें आपका स्काई ज़्यादा दिखे और ज़मीन कम दिखे, ठीक है। फिर इस वीडियो के लेयर पर जाना है, फिर मीडिया पर जाना है, और इमेज में जाके आपको कोई सा भी कलर को चॉइस कर लेना है। मैं जैसे ये वाला कलर को चॉइस कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, फिर इस कलर को आपको ब्लू कर देना है, जिसे मैं ब्लू कर देता हूँ। ब्लू हो गया, ओके कर दीजिए। फिर इसको आप थोड़ा जूम कर दीजिए, पहले ऐसे सीधा कर दीजिए, ऐसे स्ट्रेट कर दीजिए, जूम कर दीजिए, ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे वाले इमेज को ही सेलेक्ट करना है। फिर आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, ब्लेंडिंग में जाना है। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसका कैपेसिटी को थोड़ा कम कर दीजिए अपने हिसाब से, आपको जितना लगता है। उसके बाद इसे ओके कर दीजिए। इसके बाद आपको ये प्ले करके देखना है। देखिए, ये हाथ मैंने जब ऊपर किया हुआ है वो टाइम में इसकी रोशनी चल जानी चाहिए। अभी जो ब्लू कलर दिख रहा है वो ब्लू कलर नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये वाले इमेज पे क्लिक करना है, ट्रिम करना है, फिर ट्रिम टू राइट और प्ले हिट कर देना है, ठीक है। देखिए, इसका कलर अब चेंज हो गया। अभी मैं प्ले करके बताता हूँ। ठीक है, हो गया। अभी ये वाले इमेज को क्लिक करके वापस से आपको ये आउट एनिमेशन में जाना है, और यहाँ पर फेड वाला ऑप्शन जो है उस पर क्लिक कर देना है। इसका स्पीड आप चाहे तो 0.5 भी रख सकते हैं या 1, आपको जैसा लगता है वैसे रख सकते हैं। मैं ओके करता हूँ। अब इसको वापस से प्ले करके देखिए, देखिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर प्लस में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट डालना रहेगा, तो आपको ये हीट एंड ब्रेक का ट्रांजेक्शन इफेक्ट डालना पड़ेगा। अगर आपको हीट एंड ब्रेक का ट्रांजेक्शन नहीं मिलता है तो उसके लिए आप ये मोड वाले ऑप्शन पर जाइएगा। मोड वाले ऑप्शन में जाएंगे, फिर यहाँ पर आप नीचे में जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये हीट एंड ब्रेक का, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको ये मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं अभी हीट एंड ब्रेक का इफेक्ट डालता हूँ। आपको ये पहला वाला में क्लिक करना है, ओके कीजिए। उसके बाद आप एक बार प्ले करके देखिए। देखिए, मेरा आधा वीडियो रेडी हो चुका है। अब आपको यहाँ पे वापस स्टार्टिंग में आना है। उसके बाद आपको लेयर पर जाना है, फिर मीडिया पर जाना है, फिर वहाँ से आपको सन का PNG सेलेक्ट कर लेने का है। उसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सेलेक्ट होने के बाद आप इसको यहाँ पे लाइए, थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाने के बाद अभी आपको थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा देना है। अभी आपको देखना है कि आप अपने हाथ को ऊपर कब कर रहे हैं, ठीक है। जिस समय आप ऊपर कर रहे हैं वहाँ पर रुक जाइए। फिर यहाँ से आप सन वाली इमेज को ट्रिम कर दीजिए, ट्रिम पर जाइए, स्प्लिट एट प्ले हिट कीजिए, ओके कीजिए। ये ट्रिम हो जाने के बाद आपको सेकंड वाले इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर चाबी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये वाला थोड़ा सा आगे बढ़ा देना कि आप हाथ कितना ऊपर बढ़ा रहे हैं। मैं सेट कर लेता हूँ जल्दी से। आपको जहाँ तक हाथ बढ़ा रहे हैं वहाँ तक ही बढ़ा के रखना है। ठीक है, यहाँ तक सेट हो गया है।
अभी आपको क्या करना है, ये जो सूरज है इसको ऊपर ले जाना है, फिर ओके कीजिए। इसके बाद अब आपको वापस से प्ले करके एक बार देखना है। ठीक है, अभी ये वाला पहला वाला वीडियो का काम हो गया है, अभी दूसरा वीडियो का काम करना है। इसके लिए आपको सेकंड वाले वीडियो में आना है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में आना है, फिर सेकंड वाली वीडियो के लिए आपको यहाँ लेयर पर जाना है, फिर मीडिया पर जाना है, फिर आपको वहाँ से आपका येलो वाला स्काई को सेलेक्ट कर लेने का है। उसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेलेक्ट होने के बाद आपको इसको थोड़ा सा जूम कर देना है, पहले आपके स्काई के हिसाब से। अब देखिएगा कि आपका स्काई जहाँ तक है आपको वहीं तक जूम करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना रहेगा। फिर ब्लेंडिंग में जाएंगे, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई देख रहे हैं, मल्टीप्लाई पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो कैपेसिटी थोड़ा और कम कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा देखने में सही लगे। ये हो जाने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद आपका ये वीडियो बनके रेडी हो चुका है। अभी आप चाहे तो इसमें ऑडियो लगा सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो जाके लगा दीजिएगा। इस पर बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए आपको ऑडियो पर जाना है, फिर वहाँ से आपको म्यूजिक सेलेक्ट कर लेने का है। म्यूजिक लग जाने के बाद अब इसको वापस से प्ले करके देखते हैं। जब हम आएंगे गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी। आपका ये वीडियो बनके रेडी हो गया है। अब आपको जितना तक चाहिए आप चाहे वहां तक ही रखिए, फिर आगे जाके आप यहां पे इसको सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम पर जाइए, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट कर दीजिए। नीचे वालों को भी सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम पर जाइए, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट कर दीजिए। फिर आपका म्यूजिक भी सेलेक्ट कीजिए, फिर नीचे में ट्रिम पर जाइए, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको शेयर का बटन दिख रहा है, आप अपने वीडियो के क्वालिटी के हिसाब से आप उसे सेव कर दीजिए। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।